जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, वो ऐसा कभी नहीं करता। बगीरा, तुम्हें चोट लगी है? मैं एक गड्ढे में गिर गया और मेरे पाँव में मोच आ गई, ठीक तभी जब मैं एक बारहसिंघे को पकड़ने ही वाला था जिसे मैंने थका दिया था। अच्छा, तो वो तुम थे। भेड़ियों ने अभी अभी एक थके हुए बारहसिंघे का शिकार किया है, उन्हें लगा होगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। भेड़ियों की किस्मत अच्छी थी, मैं एक गड्ढे में फंसा हुआ था और मेरा शिकार निकल गया। मैं तीन पंजों पर वैसे भी ज्यादा शिकार कर नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, ये ज्यादा बुरा नहीं है, बस छोटी सी मोच है। कुछ दिन आराम करो और उसके बाद तुम बारहसिंघे के पूरे झुंड का शिकार कर सकते हो। चिंता मत करो बगीरा, हम कल जाकर भेड़ियों से मिलेंगे। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा इलाज जरूर करेंगे। तब तक बघीरा, नींद भी खाने जितनी ही अच्छी होती है। मैं उछल नहीं पा रहा हूँ। फिर तो किस्मत खराब, तुम्हें अब हमारे साथ सोना पड़ेगा। मैं उस बारहसिंघे का ही सपना देख रहा था, पर मुझे अभी भी उसकी खुशबू आ रही है। बगीरा ने हमारा बारहसिंघा चुराया। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं, मैं तो अभी अभी नींद से जागा हूँ। झूठ मत बोलो बघीरा, वो वहाँ हमारा शिकार कर रहा है और रक्षा ने रात तुम्हें हमारी मांद में आते हुए देखा था। तुम बिल्कुल ऐसे ही चल रहे थे। उसने जरूर नींद में ऐसा किया होगा, उसे ये बीमारी है। मैं नींद में चल रहा था? अच्छा, मुझे ये बीमारी है क्या? खैर, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि बगीरा पूरी रात मेरे पास ही लेटा था। बगीरा तो भेड़ियों का दोस्त है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। सबूत तो कुछ और ही कह रहा है मोगली। बघीरा, अगर तुमने ये जानबूझकर नहीं भी किया तो भी जंगल के कानून में खाना चुराने की सजा है। गर्म घाटी में बिना खाने के 5 दिन, जंगल के कानून से बड़ा कुछ नहीं है। चिंता मत करो, कुछ दिन उपवास मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं साबित कर दूंगा कि तुमने कुछ नहीं किया। सबसे जरूरी, किसी भी कैक्टस के पास मत जाना। अपना ख्याल रखना बघीरा। बाहर आने का एक ही रास्ता है, ध्यान रहे कि वो भागने ना पाए। भेड़ियों ने सही कहा था, देखो। वैसे कोई और पैंथर भी तो हो सकता है, जैसे कि काला। काला के पंजे पर एक घाव है, उसका निशान दिख जाता। अच्छा, तो फिर हो सकता है शेर खान हो। ये पंजे का निशान शेर खान के लिए छोटा है। और तुम्हारा दिमाग भी इतना छोटा है कि तुम बघीरा के अलावा किसी और को दोषी मान ही नहीं पा रहे हो। मैं निशानों का पीछा करने जा रहा हूँ, देखना ये कहीं और ही जाएंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक भालू का दिमाग जंगली भैंस से जितना बड़ा होता है। पता नहीं इस बात पर खुश हूँ या रोऊं। चोर चट्टानों पर से आया था, आगे और निशान नहीं मिलेंगे। सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करो बलू, भालुओं के पास वो होती है कि नहीं? भेड़ियों के पास भी होती है, इसी तरह उन्होंने बघीरा का पता लगाया। शायद उनसे कोई गलती हुई हो। चलो बलू। मुझे बिल्ली की गंध आ रही है। हुँ!
अब तुम समझे कि वो बगीरा नहीं हो सकता। भले ही वो भूख से मर जाए लेकिन वो पैर पानी में नहीं डालता है। मेरे सूंघने की शक्ति एक जवान भालू जितनी तेज नहीं है मोगली, ये बात तुम जानते हो। शायद मैंने बकरी के गंध से मिला दिया होगा या फिर एक वॉट हॉग से। एक वॉट हॉग, शुक्रिया बलू। शुक्रिया, बाद में मिलता हूँ बलू। बहुत अच्छे राणा, वॉटहॉग्स के सूंघने की शक्ति पूरे जंगल में सबसे अच्छी होती है। मेरे ख्याल से सभी वॉटहॉग्स की नहीं होती, लेकिन मेरी है। मैं सबसे होशियार हूँ। लेकिन जब ध्यान देने की बात आती है, मेरा खाना बचकर निकल गया तुम्हारी वजह से। क्या तुम चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊँ? मेरी ताकत खत्म हो रही है। ये बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता है। ठीक है राणा, हमें माफ करना, पर अगर तुम ये छोटा सा एहसान करोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी दावत मिलेगी। बड़ी दावत मिलेगी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं खाऊंगा और जितना चाहूँ उतना। ठीक है, आम तौर पर वो ज्यादा खाता भी नहीं है। ये एक बकरी की गंध है। तुम्हारी नाक में जरूर बकरी की ड्रॉपिंग्स फंसी होगी बलू। ये तो एक पैंथर की गंध है। राणा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पैंथर्स जमीन के नीचे नहीं रहते हैं। मिल गया। तुम्हें वापस उस गंध पर लग जाना चाहिए, नहीं तो बड़ी दावत नहीं मिलेगी। अब ट्रफल्स खाना कब से कोई जुर्म होने लगा? ये मुझे मारना चाहते हैं क्या? इस बार कोई शक नहीं मोगली, हमारा बघीरा दोषी है। वो रहा। राणा, क्या तुम्हें खाने के अलावा कभी कुछ और नहीं सूझता? बिल्कुल भी नहीं। पैंथर की गंध वहाँ ऊपर से आ रही है। मेरा शुक्रिया करने का अच्छा तरीका है। बघीरा अपनी चोट लगे पंजे की वजह से वहाँ नहीं चढ़ पाया होगा। मतलब वो पक्का कोई और था। बघीरा निर्दोष है। मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसे पागलों की तरह नाचने लगोगे। मतलब असली मुजरिम हमारा पीछा कर रहा था। उसने जान बूझ कर बघीरा को फंसाया है। बघीरा खतरे में है। आखिरकार तुमसे छुटकारा पाने का मौका मिल ही गया। पिछली बार जब तुमने मुझे अपने इलाके से बाहर भगाया था, मेरे मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये तुम ही होगे काला। अब तुम वहां आ गए हो जहां मैं चाहता था कि तुम पहुंचो। सिर पे पत्थर लगने से तो अच्छा है कि तुम धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो जाओ। क्या सोच रहे हो? जाके अकेला को होशियार करो। मैं यहाँ रुककर इन्हें बाहर निकलने से रोकता हूँ। अब नहीं, बस बहुत हो गया। बचाओ। काला, जाहिर है कि तुम्हें पानी तो पसंद नहीं, पर शायद तुम्हें ये बालू रेत जरूर पसंद आएगी। बघीरा, तुम कहाँ हो? बघीरा। मोगली, मेरे और करीब मत आना। ओ नहीं, घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। काला, क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? तुम ये क्या बक रहे हो? हम अकेले हैं, तुम बात कर सकते हो। हमारा अंत तो नजदीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या तुम इतने होशियार हो जो कोई तरकीब सोच लो? मैं हूँ, ये सारी मेरी ही तरकीब थी शुरुआत से। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था जब बघीरा ने तुम्हें बारह सिंघा से बचकर भागने के बारे में बताया। मैं जानता था कि जंगल के कानून के मुताबिक चोरों को गरम घाटी में भेजा जाता है। बघीरा घाटी में अकेला और घायल होगा, उससे छुटकारा पाने का ये सबसे अच्छा मौका था। बहुत अच्छे मोगली, तुम्हारी वजह से इसने सब कुछ सच सच उगल दिया। आ,
मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। बघीरा, भेड़ियों का पूरा झुंड तुमसे माफी चाहता है। और माफ करने में आसानी हो इसलिए ये तोहफा। असली मुजरिम का पता लगाने के लिए शुक्रिया मोगले। राणा की वजह से हो पाया है, उसकी सूंघने की शक्ति के बिना हम ये नहीं कर पाते। ऐसा है तो मैं राणा के सम्मान में एक बहुत बड़ी दावत का ऐलान करता हूँ। चलो चलकर उसके लिए उतना खाना लाएं जितना कि वो खा सके। ये रही बड़ी दावत जिसका हमने वादा किया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसे अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, वो ऐसा कभी नहीं करता। बघीरा, तुम्हें चोट लगी है? मैं एक गड्ढे में गिर गया और मेरे पाँव में मोच आ गई, ठीक तभी जब मैं एक बारहसिंगे को पकड़ने ही वाला था जिसे मैंने थका दिया था। अच्छा, तो वो तुम थे। भेड़ियों ने अभी अभी एक थके हुए बारहसिंगे का शिकार किया है, उन्हें लगा होगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। भेड़ियों की किस्मत अच्छी थी, मैं एक गड्ढे में फंसा हुआ था और मेरा शिकार निकल गया। मैं तीन पंजों पर वैसे भी ज्यादा शिकार कर नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, ये ज्यादा बुरा नहीं है, बस छोटी सी मोच है। कुछ दिन आराम करो और उसके बाद तुम बारहसिंगे के पूरे झुंड का शिकार कर सकते हो। चिंता मत करो बघीरा, हम कल जाकर भेड़ियों से मिलेंगे। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा इलाज जरूर करेंगे। तब तक बघीरा, नींद भी खाने जितनी ही अच्छी होती है। मैं उछल नहीं पा रहा हूँ। फिर तो किस्मत खराब, तुम्हें अब हमारे साथ सोना पड़ेगा। मैं उस बारहसिंगे का ही सपना देख रहा था, पर मुझे अभी भी उसकी खुशबू आ रही है। बघीरा ने हमारा बारहसिंगा चुराया। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं, मैं तो अभी अभी नींद से जागा हूँ। झूठ मत बोलो बघीरा, वो वहाँ हमारा शिकार कर रहा है और रक्षा ने रात तुम्हें हमारी मांद में आते हुए देखा था। तुम बिल्कुल ऐसे ही चल रहे थे। उसने जरूर नींद में ऐसा किया होगा, उसे ये बीमारी है। मैं नींद में चल रहा था? अच्छा, मुझे ये बीमारी है क्या? खैर, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि बघीरा पूरी रात मेरे पास ही लेटा था। बघीरा तो भेड़ियों का दोस्त है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। सबूत तो कुछ और ही कह रहा है मोगली। बघीरा, अगर तुमने ये जानबूझकर नहीं भी किया तो भी जंगल के कानून में खाना चुराने की सजा है। गर्म घाटी में बिना खाने के 5 दिन, जंगल के कानून से बड़ा कुछ नहीं है। चिंता मत करो, कुछ दिन उपवास मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं साबित कर दूंगा कि तुमने कुछ नहीं किया। सबसे जरूरी, किसी भी कैक्टस के पास मत जाना। अपना ख्याल रखना बघीरा। बाहर आने का एक ही रास्ता है, ध्यान रहे कि वो भागने ना पाए। भेड़ियों ने सही कहा था, देखो। वैसे कोई और पैंथर भी तो हो सकता है, जैसे कि काला। काला के पंजे पर एक घाव है, उसका निशान दिख जाता। अच्छा, तो फिर हो सकता है शेर खान हो। ये पंजे का निशान शेर खान के लिए छोटा है। और तुम्हारा दिमाग भी इतना छोटा है कि तुम बघीरा के अलावा किसी और को दोषी मान ही नहीं पा रहे हो। मैं निशानों का पीछा करने जा रहा हूँ, देखना ये कहीं और ही जाएंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक भालू का दिमाग जंगली भैंसे जितना बड़ा होता है। पता नहीं इस बात पर खुश हूँ या रोऊं। चोर चट्टानों पर से आया था, आगे और निशान नहीं मिलेंगे। सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करो बलू, भालुओं के पास वो होती है कि नहीं? भेड़ियों के पास भी होती है, इसी तरह उन्होंने बघीरा का पता लगाया। शायद उनसे कोई गलती हुई हो। चलो बलू। मुझे बिल्ली की गंध आ रही है।
अब तुम समझे कि वो बगीरा नहीं हो सकता। भले ही वो भूख से मर जाए लेकिन वो पैर पानी में नहीं डालता है। मेरे सूंघने की शक्ति एक जवान भालू जितनी तेज नहीं है मोगली, ये बात तुम जानते हो। शायद मैंने बकरी के गंध से मिला दिया होगा या फिर एक वॉर्थहॉग से। एक वॉर्थहॉग। शुक्रिया बलू। शुक्रिया, बाद में मिलता हूँ बलू। बहुत अच्छे राणा, वॉटहॉक्स के सूंघने की शक्ति पूरे जंगल में सबसे अच्छी होती है। मेरे ख्याल से सभी वॉटहॉक्स की नहीं होती, लेकिन मेरी है। हाँ, मैं सबसे होशियार हूँ। लेकिन जब ध्यान देने की बात आती है। मेरा खाना बचकर निकल गया तुम्हारी वजह से। क्या तुम चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊँ? मेरी ताकत खत्म हो रही है। ये बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता है। ठीक है राणा, हमें माफ करना, पर अगर तुम ये छोटा सा एहसान करोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी दावत मिलेगी। बड़ी दावत मिलेगी? ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं खाऊंगा और जितना चाहूँ उतना। ठीक है, आम तौर पर वो ज्यादा खाता भी नहीं है। ये एक बकरी की गंध है। तुम्हारी नाक में जरूर बकरी की ड्रॉपिंग्स फंसी होगी बलू। ये तो एक पैंथर की गंध है। राणा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पैंथर्स जमीन के नीचे नहीं रहते हैं। मिल गया। तुम्हें वापस उस गंध पर लग जाना चाहिए, नहीं तो बड़ी दावत नहीं मिलेगी। अब ट्रफल्स खाना कब से कोई जुर्म होने लगा? ये मुझे मारना चाहते हैं क्या? इस बार कोई शक नहीं मोगली, हमारा बघीरा दोषी है। वो रहा। राणा, क्या तुम्हें खाने के अलावा कभी कुछ और नहीं सूझता? बिल्कुल भी नहीं। पैंथर की गंध वहाँ ऊपर से आ रही है। मेरा शुक्रिया करने का अच्छा तरीका है। बघीरा अपनी चोट लगे पंजे की वजह से वहाँ नहीं चढ़ पाया होगा। मतलब वो पक्का कोई और था। बघीरा निर्दोष है। मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसे पागलों की तरह नाचने लगोगे। मतलब असली मुजरिम हमारा पीछा कर रहा था। उसने जान बूझ कर बघीरा को फंसाया है। बघीरा खतरे में है। आखिरकार तुमसे छुटकारा पाने का मौका मिल ही गया। पिछली बार जब तुमने मुझे अपने इलाके से बाहर भगाया था, मेरे मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये तुम ही होगे काला। अब तुम वहां आ गए हो जहां मैं चाहता था कि तुम पहुंचो। सिर पे पत्थर लगने से तो अच्छा है कि तुम धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो जाओ। क्या सोच रहे हो? जाके अकेला को होशियार करो। मैं यहाँ रुककर इन्हें बाहर निकलने से रोकता हूँ। अब नहीं, बस बहुत हो गया। बचाओ। काला, जाहिर है कि तुम्हें पानी तो पसंद नहीं, पर शायद तुम्हें ये बालू रेत जरूर पसंद आएगी। बघीरा, तुम कहाँ हो? बघीरा। मोगली, मेरे और करीब मत आना। ओ नहीं, घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। काला, क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? तुम ये क्या बक रहे हो? हम अकेले हैं, तुम बात कर सकते हो। हमारा अंत तो नजदीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या तुम इतने होशियार हो जो कोई तरकीब सोच लो? मैं हूँ। ये सारी मेरी ही तरकीब थी शुरुआत से। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था जब बघीरा ने तुम्हें बारह सिंघा से बचकर भागने के बारे में बताया। मैं जानता था कि जंगल के कानून के मुताबिक चोरों को गर्म घाटी में भेजा जाता है। बघीरा घाटी में अकेला और घायल होगा, उससे छुटकारा पाने का ये सबसे अच्छा मौका था। बहुत अच्छे मोगली, तुम्हारी वजह से इसने सब कुछ सच सच उगल दिया।
मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। बघीरा, भेड़ियों का पूरा झुंड तुमसे माफी चाहता है। और माफ करने में आसानी हो इसलिए ये तोहफा। असली मुजरिम का पता लगाने के लिए शुक्रिया मोगले। राणा की वजह से हो पाया है, उसकी सूंघने की शक्ति के बिना हम ये नहीं कर पाते। ऐसा है तो मैं राणा के सम्मान में एक बहुत बड़ी दावत का ऐलान करता हूँ। चलो चलकर उसके लिए उतना खाना लाएं जितना कि वो खा सके। ये रही बड़ी दावत जिसका हमने वादा किया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, वो ऐसा कभी नहीं करता। बघीरा, तुम्हें चोट लगी है? मैं एक गड्ढे में गिर गया और मेरे पाँव में मोच आ गई, ठीक तभी जब मैं एक बारहसिंगे को पकड़ने ही वाला था जिसे मैंने थका दिया था। अच्छा, तो वो तुम थे। भेड़ियों ने अभी अभी एक थके हुए बारहसिंगे का शिकार किया है। उन्हें लगा होगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। भेड़ियों की किस्मत अच्छी थी, मैं एक गड्ढे में फंसा हुआ था और मेरा शिकार निकल गया। मैं तीन पंजों पर वैसे भी ज्यादा शिकार कर नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, ये ज्यादा बुरा नहीं है, बस छोटी सी मोच है। कुछ दिन आराम करो और उसके बाद तुम बारहसिंगे के पूरे झुंड का शिकार कर सकते हो। चिंता मत करो बघीरा, हम कल जाकर भेड़ियों से मिलेंगे। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा इलाज जरूर करेंगे। तब तक बघीरा, नींद भी खाने जितनी ही अच्छी होती है। मैं उछल नहीं पा रहा हूँ। फिर तो किस्मत खराब, तुम्हें अब हमारे साथ सोना पड़ेगा। मैं उस बारहसिंगे का ही सपना देख रहा था, पर मुझे अभी भी उसकी खुशबू आ रही है। बघीरा ने हमारा बारहसिंगा चुराया। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं, मैं तो अभी अभी नींद से जागा हूँ। झूठ मत बोलो बघीरा, वो वहाँ हमारा शिकार कर रहा है और रक्षा ने रात तुम्हें हमारी मांद में आते हुए देखा था। तुम बिल्कुल ऐसे ही चल रहे थे। उसने जरूर नींद में ऐसा किया होगा, उसे ये बीमारी है। मैं नींद में चल रहा था? अच्छा, मुझे ये बीमारी है क्या? खैर, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि बघीरा पूरी रात मेरे पास ही लेटा था। बघीरा तो भेड़ियों का दोस्त है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। सबूत तो कुछ और ही कह रहा है मोगली। बघीरा, अगर तुमने ये जानबूझकर नहीं भी किया तो भी जंगल के कानून में खाना चुराने की सजा है। गर्म घाटी में बिना खाने के 5 दिन, जंगल के कानून से बड़ा कुछ नहीं है। चिंता मत करो, कुछ दिन उपवास मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं साबित कर दूंगा कि तुमने कुछ नहीं किया। सबसे जरूरी, किसी भी कैक्टस के पास मत जाना। अपना ख्याल रखना बघीरा। बाहर आने का एक ही रास्ता है, ध्यान रहे कि वो भागने ना पाए। भेड़ियों ने सही कहा था, देखो। वैसे कोई और पैंथर भी तो हो सकता है, जैसे कि काला। काला के पंजे पर एक घाव है, उसका निशान दिख जाता। अच्छा, तो फिर हो सकता है शेर खान हो। ये पंजे का निशान शेर खान के लिए छोटा है। और तुम्हारा दिमाग भी इतना छोटा है कि तुम बघीरा के अलावा किसी और को दोषी मान ही नहीं पा रहे हो। मैं निशानों का पीछा करने जा रहा हूँ, देखना ये कहीं और ही जाएंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक भालू का दिमाग जंगली भैंसे जितना बड़ा होता है। पता नहीं इस बात पर खुश हूँ या रोऊं। चोर चट्टानों पर से आया था, आगे और निशान नहीं मिलेंगे। सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करो बलू, भालुओं के पास वो होती है कि नहीं? भेड़ियों के पास भी होती है, इसी तरह उन्होंने बघीरा का पता लगाया। शायद उनसे कोई गलती हुई हो। चलो बलू। मुझे बिल्ली की गंध आ रही है।
अब तुम समझे कि वो बगीरा नहीं हो सकता। भले ही वो भूख से मर जाए लेकिन वो पैर पानी में नहीं डालता है। मेरे सूंघने की शक्ति एक जवान भालू जितनी तेज नहीं है मोगली, ये बात तुम जानते हो। शायद मैंने बकरी के गंध से मिला दिया होगा या फिर एक वॉट हॉग से। एक वॉट हॉग। शुक्रिया बलू। शुक्रिया, बाद में मिलता हूँ बलू। बहुत अच्छे राणा, वॉटहॉक्स के सूंघने की शक्ति पूरे जंगल में सबसे अच्छी होती है। मेरे ख्याल से सभी वॉटहॉक्स की नहीं होती, लेकिन मेरी है। मैं सबसे होशियार हूँ। लेकिन जब ध्यान देने की बात आती है, मेरा खाना बचकर निकल गया तुम्हारी वजह से। क्या तुम चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊँ? मेरी ताकत खत्म हो रही है। ये बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता है। ठीक है राणा, हमें माफ करना, पर अगर तुम ये छोटा सा एहसान करोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी दावत मिलेगी। बड़ी दावत मिलेगी? ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं खाऊंगा और जितना चाहूँ उतना। ठीक है, आम तौर पर वो ज्यादा खाता भी नहीं है। ये एक बकरी की गंध है। तुम्हारी नाक में जरूर बकरी की ड्रॉपिंग्स फंसी होगी बलू। ये तो एक पैंथर की गंध है। राणा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पैंथर्स जमीन के नीचे नहीं रहते हैं। मिल गया। तुम्हें वापस उस गंध पर लग जाना चाहिए, नहीं तो बड़ी दावत नहीं मिलेगी। अब ट्रफल्स खाना कब से कोई जुर्म होने लगा? ये मुझे मारना चाहते हैं क्या? इस बार कोई शक नहीं मोगली, हमारा बघीरा दोषी है। वो रहा। राणा, क्या तुम्हें खाने के अलावा कभी कुछ और नहीं सूझता? बिल्कुल भी नहीं। पैंथर की गंध वहाँ ऊपर से आ रही है। मेरा शुक्रिया करने का अच्छा तरीका है। बघीरा अपनी चोट लगे पंजे की वजह से वहाँ नहीं चढ़ पाया होगा। मतलब वो पक्का कोई और था। बघीरा निर्दोष है। मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसे पागलों की तरह नाचने लगोगे। मतलब असली मुजरिम हमारा पीछा कर रहा था। उसने जान बूझ कर बघीरा को फंसाया है। बघीरा खतरे में है। आखिरकार तुमसे छुटकारा पाने का मौका मिल ही गया। पिछली बार जब तुमने मुझे अपने इलाके से बाहर भगाया था, मेरे मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये तुम ही होगे काला। अब तुम वहां आ गए हो जहां मैं चाहता था कि तुम पहुंचो। सिर पे पत्थर लगने से तो अच्छा है कि तुम धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो जाओ। क्या सोच रहे हो? जाके अकेला को होशियार करो। मैं यहाँ रुककर इन्हें बाहर निकलने से रोकता हूँ। अब नहीं, बस बहुत हो गया। बचाओ। काला, जाहिर है कि तुम्हें पानी तो पसंद नहीं, पर शायद तुम्हें ये बालू रेत जरूर पसंद आएगी। बघीरा, तुम कहाँ हो? बघीरा। मोगली, मेरे और करीब मत आना। ओ नहीं, घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। काला, क्या इस सबके पीछे तुम्हारा हाथ है? तुम ये क्या बक रहे हो? हम अकेले हैं, तुम बात कर सकते हो। हमारा अंत तो नजदीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या तुम इतने होशियार हो जो कोई तरकीब सोच लो? मैं हूँ। ये सारी मेरी ही तरकीब थी शुरुआत से। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था जब बघीरा ने तुम्हें बारह सिंघा से बचकर भागने के बारे में बताया। मैं जानता था कि जंगल के कानून के मुताबिक चोरों को गर्म घाटी में भेजा जाता है। बघीरा घाटी में अकेला और घायल होगा, उससे छुटकारा पाने का ये सबसे अच्छा मौका था। बहुत अच्छे मोगली, तुम्हारी वजह से इसने सब कुछ सच सच उगल दिया।
मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। बघीरा, भेड़ियों का पूरा झुंड तुमसे माफी चाहता है। और माफ करने में आसानी हो इसलिए ये तोहफा। असली मुजरिम का पता लगाने के लिए शुक्रिया मोगले। राणा की वजह से हो पाया है, उसकी सूंघने की शक्ति के बिना हम ये नहीं कर पाते। ऐसा है तो मैं राणा के सम्मान में एक बहुत बड़ी दावत का ऐलान करता हूँ। चलो चलकर उसके लिए उतना खाना लाएं जितना कि वो खा सके। ये रही बड़ी दावत जिसका हमने वादा किया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, वो ऐसा कभी नहीं करता। बघीरा, तुम्हें चोट लगी है? मैं एक गड्ढे में गिर गया और मेरे पाँव में मोच आ गई, ठीक तभी जब मैं एक बारहसिंगे को पकड़ने ही वाला था जिसे मैंने थका दिया था। अच्छा, तो वो तुम थे। भेड़ियों ने अभी अभी एक थके हुए बारहसिंगे का शिकार किया है, उन्हें लगा होगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। भेड़ियों की किस्मत अच्छी थी, मैं एक गड्ढे में फंसा हुआ था और मेरा शिकार निकल गया। मैं तीन पंजों पर वैसे भी ज्यादा शिकार कर नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, ये ज्यादा बुरा नहीं है, बस छोटी सी मोच है। कुछ दिन आराम करो और उसके बाद तुम बारहसिंगे के पूरे झुंड का शिकार कर सकते हो। चिंता मत करो बघीरा, हम कल जाकर भेड़ियों से मिलेंगे। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा इलाज जरूर करेंगे। तब तक बघीरा, नींद भी खाने जितनी ही अच्छी होती है। मैं उछल नहीं पा रहा हूँ। फिर तो किस्मत खराब, तुम्हें अब हमारे साथ सोना पड़ेगा। मैं उस बारहसिंगे का ही सपना देख रहा था, पर मुझे अभी भी उसकी खुशबू आ रही है। बघीरा ने हमारा बारहसिंगा चुराया। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं, मैं तो अभी अभी नींद से जागा हूँ। झूठ मत बोलो बघीरा, वो वहाँ हमारा शिकार कर रहा है और रक्षा ने रात तुम्हें हमारी मांद में आते हुए देखा था। तुम बिल्कुल ऐसे ही चल रहे थे। उसने जरूर नींद में ऐसा किया होगा, उसे ये बीमारी है। मैं नींद में चल रहा था? अच्छा, मुझे ये बीमारी है क्या? खैर, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि बघीरा पूरी रात मेरे पास ही लेटा था। बघीरा तो भेड़ियों का दोस्त है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। सबूत तो कुछ और ही कह रहा है मोगली। बघीरा, अगर तुमने ये जानबूझकर नहीं भी किया तो भी जंगल के कानून में खाना चुराने की सजा है। गर्म घाटी में बिना खाने के 5 दिन, जंगल के कानून से बड़ा कुछ नहीं है। चिंता मत करो, कुछ दिन उपवास मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं साबित कर दूंगा कि तुमने कुछ नहीं किया। सबसे जरूरी, किसी भी कैक्टस के पास मत जाना। अपना ख्याल रखना बघीरा। बाहर आने का एक ही रास्ता है, ध्यान रहे कि वो भागने ना पाए। भेड़ियों ने सही कहा था, देखो। वैसे कोई और पैंथर भी तो हो सकता है, जैसे कि काला। काला के पंजे पर एक घाव है, उसका निशान दिख जाता। अच्छा, तो फिर हो सकता है शेर खान हो। ये पंजे का निशान शेर खान के लिए छोटा है। और तुम्हारा दिमाग भी इतना छोटा है कि तुम बघीरा के अलावा किसी और को दोषी मान ही नहीं पा रहे हो। मैं निशानों का पीछा करने जा रहा हूँ, देखना ये कहीं और ही जाएंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक भालू का दिमाग जंगली भैंसे जितना बड़ा होता है। पता नहीं इस बात पर खुश हूँ या रोऊं। चोर चट्टानों पर से आया था, आगे और निशान नहीं मिलेंगे। सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करो बलू, भालुओं के पास वो होती है कि नहीं? भेड़ियों के पास भी होती है, इसी तरह उन्होंने बघीरा का पता लगाया। शायद उनसे कोई गलती हुई हो। चलो बलू। मुझे बिल्ली की गंध आ रही है।
अब तुम समझे कि वो बगीरा नहीं हो सकता। भले ही वो भूख से मर जाए लेकिन वो पैर पानी में नहीं डालता है। मेरे सूंघने की शक्ति एक जवान भालू जितनी तेज नहीं है मोगली, ये बात तुम जानते हो। शायद मैंने बकरी के गंध से मिला दिया होगा या फिर एक वॉट हॉग से। एक वॉट हॉग। शुक्रिया बलू। शुक्रिया, बाद में मिलता हूँ बलू। बहुत अच्छे राणा, वॉटहॉग्स के सूंघने की शक्ति पूरे जंगल में सबसे अच्छी होती है। मेरे ख्याल से सभी वॉटहॉग्स की नहीं होती, लेकिन मेरी है। मैं सबसे होशियार हूँ। लेकिन जब ध्यान देने की बात आती है। मेरा खाना बचकर निकल गया तुम्हारी वजह से। क्या तुम चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊं? मेरी ताकत खत्म हो रही है। ये बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता है। ठीक है राणा, हमें माफ करना, पर अगर तुम ये छोटा सा एहसान करोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी दावत मिलेगी। बड़ी दावत मिलेगी? ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं खाऊंगा और जितना चाहूँ उतना। ठीक है, आम तौर पर वो ज्यादा खाता भी नहीं है। ये एक बकरी की गंध है। तुम्हारी नाक में जरूर बकरी की ड्रॉपिंग्स फंसी होगी बलू। ये तो एक पैंथर की गंध है। राणा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पैंथर्स जमीन के नीचे नहीं रहते हैं। मिल गया। तुम्हें वापस उस गंध पर लग जाना चाहिए, नहीं तो बड़ी दावत नहीं मिलेगी। अब ट्रफल्स खाना कब से कोई जुर्म होने लगा? ये मुझे मारना चाहते हैं क्या? इस बार कोई शक नहीं मोगली, हमारा बघीरा दोषी है। वो रहा। राणा, क्या तुम्हें खाने के अलावा कभी कुछ और नहीं सूझता? बिल्कुल भी नहीं। पैंथर की गंध वहाँ ऊपर से आ रही है। मेरा शुक्रिया करने का अच्छा तरीका है। बघीरा अपनी चोट लगे पंजे की वजह से वहाँ नहीं चढ़ पाया होगा। मतलब वो पक्का कोई और था। बघीरा निर्दोष है। मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसे पागलों की तरह नाचने लगोगे। मतलब असली मुजरिम हमारा पीछा कर रहा था। उसने जान बूझ कर बघीरा को फंसाया है। बघीरा खतरे में है। आखिरकार तुमसे छुटकारा पाने का मौका मिल ही गया। पिछली बार जब तुमने मुझे अपने इलाके से बाहर भगाया था, मेरे मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये तुम ही होगे काला। अब तुम वहां आ गए हो जहां मैं चाहता था कि तुम पहुंचो। सिर पे पत्थर लगने से तो अच्छा है कि तुम धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो जाओ। क्या सोच रहे हो? जाके अकेला को होशियार करो। मैं यहाँ रुक कर इन्हें बाहर निकलने से रोकता हूँ। अब नहीं, बस बहुत हो गया। बचाओ। काला, जाहिर है कि तुम्हें पानी तो पसंद नहीं, पर शायद तुम्हें ये बालू रेत जरूर पसंद आएगी। बघीरा, तुम कहाँ हो? बघीरा, मोगली, मेरे और करीब मत आना। ओ नहीं, घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। काला, क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? तुम ये क्या बक रहे हो? हम अकेले हैं, तुम बात कर सकते हो। हमारा अंत तो नजदीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या तुम इतने होशियार हो जो कोई तरकीब सोच लो? मैं हूँ, ये सारी मेरी ही तरकीब थी शुरुआत से। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था जब बघीरा ने तुम्हें बारहसिंघा से बचकर भागने के बारे में बताया। मैं जानता था कि जंगल के कानून के मुताबिक चोरों को गरम घाटी में भेजा जाता है। बघीरा घाटी में अकेला और घायल होगा, उससे छुटकारा पाने का ये सबसे अच्छा मौका था। बहुत अच्छे मोगली, तुम्हारी वजह से इसने सब कुछ सच सच उगल दिया।
मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। बघीरा, भेड़ियों का पूरा झुंड तुमसे माफी चाहता है। और माफ करने में आसानी हो इसलिए ये तोहफा। असली मुजरिम का पता लगाने के लिए शुक्रिया मोगले। राणा की वजह से हो पाया है, उसकी सूंघने की शक्ति के बिना हम ये नहीं कर पाते। ऐसा है तो मैं राणा के सम्मान में एक बहुत बड़ी दावत का ऐलान करता हूँ। चलो चलकर उसके लिए उतना खाना लाएं जितना कि वो खा सके। ये रही बड़ी दावत जिसका हमने वादा किया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसे अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, वो ऐसा कभी नहीं करता। बघीरा, तुम्हें चोट लगी है? मैं एक गड्ढे में गिर गया और मेरे पाँव में मोच आ गई, ठीक तभी जब मैं एक बारह सिंह को पकड़ने ही वाला था जिसे मैंने थका दिया था। अच्छा, तो वो तुम थे। भेड़ियों ने अभी अभी एक थके हुए बारह सिंह का शिकार किया है, उन्हें लगा होगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। भेड़ियों की किस्मत अच्छी थी, मैं एक गड्ढे में फंसा हुआ था और मेरा शिकार निकल गया। मैं तीन पंजों पर वैसे भी ज्यादा शिकार कर नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, ये ज्यादा बुरा नहीं है, बस छोटी सी मोच है। कुछ दिन आराम करो और उसके बाद तुम बारह सिंह के पूरे झुंड का शिकार कर सकते हो। चिंता मत करो बघीरा, हम कल जाकर भेड़ियों से मिलेंगे। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा इलाज जरूर करेंगे। तब तक बघीरा, नींद भी खाने जितनी ही अच्छी होती है। मैं उछल नहीं पा रहा हूँ। फिर तो किस्मत खराब, तुम्हें अब हमारे साथ सोना पड़ेगा। मैं उस बारह सिंगे का ही सपना देख रहा था, पर मुझे अभी भी उसकी खुशबू आ रही है। बघीरा ने हमारा बारह सिंह चुराया। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं, मैं तो अभी अभी नींद से जागा हूँ। झूठ मत बोलो बघीरा, वो वहाँ हमारा शिकार कर रहा है और रक्षा ने रात तुम्हें हमारी मांद में आते हुए देखा था। तुम बिल्कुल ऐसे ही चल रहे थे। उसने जरूर नींद में ऐसा किया होगा, उसे ये बीमारी है। मैं नींद में चल रहा था? अच्छा, मुझे ये बीमारी है क्या? खैर, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि बघीरा पूरी रात मेरे पास ही लेटा था। बघीरा तो भेड़ियों का दोस्त है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। सबूत तो कुछ और ही कह रहा है मोगली। बघीरा, अगर तुमने ये जानबूझकर नहीं भी किया तो भी जंगल के कानून में खाना चुराने की सजा है। गर्म घाटी में बिना खाने के 5 दिन, जंगल के कानून से बड़ा कुछ नहीं है। चिंता मत करो, कुछ दिन उपवास मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं साबित कर दूंगा कि तुमने कुछ नहीं किया। सबसे जरूरी, किसी भी कैक्टस के पास मत जाना। अपना ख्याल रखना बघीरा। बाहर आने का एक ही रास्ता है, ध्यान रहे कि वो भागने ना पाए। भेड़ियों ने सही कहा था, देखो। वैसे कोई और पैंथर भी तो हो सकता है, जैसे कि काला। काला के पंजे पर एक घाव है, उसका निशान दिख जाता। अच्छा, तो फिर हो सकता है शेर खान हो। ये पंजे का निशान शेर खान के लिए छोटा है। और तुम्हारा दिमाग भी इतना छोटा है कि तुम बघीरा के अलावा किसी और को दोषी मान ही नहीं पा रहे हो। मैं निशानों का पीछा करने जा रहा हूँ, देखना ये कहीं और ही जाएंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक भालू का दिमाग जंगली भैंसे जितना बड़ा होता है। पता नहीं इस बात पर खुश हूँ या रोऊं। चोर चट्टानों पर से आया था, आगे और निशान नहीं मिलेंगे। सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करो बलू, भालुओं के पास वो होती है कि नहीं? भेड़ियों के पास भी होती है, इसी तरह उन्होंने बघीरा का पता लगाया। शायद उनसे कोई गलती हुई हो। चलो बलू। मुझे बिल्ली की गंध आ रही है।
अब तुम समझे कि वो बगीरा नहीं हो सकता। भले ही वो भूख से मर जाए लेकिन वो पैर पानी में नहीं डालता है। मेरे सूंघने की शक्ति एक जवान भालू जितनी तेज नहीं है मोगली, ये बात तुम जानते हो। शायद मैंने बकरी के गंध से मिला दिया होगा या फिर एक वॉटहॉग से। एक वॉटहॉग। शुक्रिया बलू। शुक्रिया, बाद में मिलता हूँ बलू। बहुत अच्छे राणा, वॉटहॉग्स के सूंघने की शक्ति पूरे जंगल में सबसे अच्छी होती है। मेरे ख्याल से सभी वॉटहॉग्स की नहीं होती, लेकिन मेरी है। मैं सबसे होशियार हूँ। लेकिन जब ध्यान देने की बात आती है, मेरा खाना बचकर निकल गया तुम्हारी वजह से। क्या तुम चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊँ? मेरी ताकत खत्म हो रही है। ये बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता है। ठीक है राणा, हमें माफ करना, पर अगर तुम ये छोटा सा एहसान करोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी दावत मिलेगी। बड़ी दावत मिलेगी? ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं खाऊंगा और जितना चाहूँ उतना। ठीक है, आम तौर पर वो ज्यादा खाता भी नहीं है। ये एक बकरी की गंध है। तुम्हारी नाक में जरूर बकरी की ड्रॉपिंग्स फंसी होगी बलू। ये तो एक पैंथर की गंध है। राणा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पैंथर्स जमीन के नीचे नहीं रहते हैं। मिल गया। तुम्हें वापस उस गंध पर लग जाना चाहिए, नहीं तो बड़ी दावत नहीं मिलेगी। अब ट्रफल्स खाना कब से कोई जुर्म होने लगा? ये मुझे मारना चाहते हैं क्या? इस बार कोई शक नहीं मोगली, हमारा बघीरा दोषी है। वो रहा। राणा, क्या तुम्हें खाने के अलावा कभी कुछ और नहीं सूझता? बिल्कुल भी नहीं। पैंथर की गंध वहाँ ऊपर से आ रही है। मेरा शुक्रिया करने का अच्छा तरीका है। बघीरा अपनी चोट लगे पंजे की वजह से वहाँ नहीं चढ़ पाया होगा। मतलब वो पक्का कोई और था। बघीरा निर्दोष है। ला 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 ला। मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसे पागलों की तरह नाचने लगोगे। मतलब असली मुजरिम हमारा पीछा कर रहा था। उसने जान बूझ कर बघीरा को फंसाया है। बघीरा खतरे में है। आखिरकार तुमसे छुटकारा पाने का मौका मिल ही गया। पिछली बार जब तुमने मुझे अपने इलाके से बाहर भगाया था, मेरे मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये तुम ही होगे काला। अब तुम वहां आ गए हो जहां मैं चाहता था कि तुम पहुंचो। सिर पे पत्थर लगने से तो अच्छा है कि तुम धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो जाओ। क्या सोच रहे हो? जाके अकेला को होशियार करो। मैं यहाँ रुककर इन्हें बाहर निकलने से रोकता हूँ। अब नहीं, बस बहुत हो गया। बचाओ। काला, जाहिर है कि तुम्हें पानी तो पसंद नहीं, पर शायद तुम्हें ये बालू रेत जरूर पसंद आएगी। बघीरा, तुम कहाँ हो? बघीरा। मोगली, मेरे और करीब मत आना। ओ नहीं, घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। काला, क्या इस सबके पीछे तुम्हारा हाथ है? तुम ये क्या बक रहे हो? हम अकेले हैं, तुम बात कर सकते हो। हमारा अंत तो नजदीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या तुम इतने होशियार हो जो कोई तरकीब सोच लो? मैं हूँ। ये सारी मेरी ही तरकीब थी शुरुआत से। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था जब बघीरा ने तुम्हें बारह सिंघा से बचकर भागने के बारे में बताया। मैं जानता था कि जंगल के कानून के मुताबिक चोरों को गरम घाटी में भेजा जाता है। बघीरा घाटी में अकेला और घायल होगा, उससे छुटकारा पाने का ये सबसे अच्छा मौका था। बहुत अच्छे मोगली, तुम्हारी वजह से इसने सब कुछ सच सच उगल दिया।
मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। बघीरा, भेड़ियों का पूरा झुंड तुमसे माफी चाहता है। और माफ करने में आसानी हो इसलिए ये तोहफा। असली मुजरिम का पता लगाने के लिए शुक्रिया मोगले। राणा की वजह से हो पाया है, उसकी सूंघने की शक्ति के बिना हम ये नहीं कर पाते। ऐसा है तो मैं राणा के सम्मान में एक बहुत बड़ी दावत का ऐलान करता हूँ। चलो चलकर उसके लिए उतना खाना लाएं जितना कि वो खा सके। ये रही बड़ी दावत जिसका हमने वादा किया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, वो ऐसा कभी नहीं करता। बघीरा, तुम्हें चोट लगी है? मैं एक गड्ढे में गिर गया और मेरे पाँव में मोच आ गई, ठीक तभी जब मैं एक बारहसिंगे को पकड़ने ही वाला था जिसे मैंने थका दिया था। अच्छा, तो वो तुम थे। भेड़ियों ने अभी अभी एक थके हुए बारहसिंगे का शिकार किया है। उन्हें लगा होगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। भेड़ियों की किस्मत अच्छी थी, मैं एक गड्ढे में फंसा हुआ था और मेरा शिकार निकल गया। मैं तीन पंजों पर वैसे भी ज्यादा शिकार कर नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, ये ज्यादा बुरा नहीं है, बस छोटी सी मोच है। कुछ दिन आराम करो और उसके बाद तुम बारहसिंगे के पूरे झुंड का शिकार कर सकते हो। चिंता मत करो बघीरा, हम कल जाकर भेड़ियों से मिलेंगे। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा इलाज जरूर करेंगे। तब तक बघीरा, नींद भी खाने जितनी ही अच्छी होती है। मैं उछल नहीं पा रहा हूँ। फिर तो किस्मत खराब, तुम्हें अब हमारे साथ सोना पड़ेगा। मैं उस बारहसिंगे का ही सपना देख रहा था, पर मुझे अभी भी उसकी खुशबू आ रही है। बघीरा ने हमारा बारहसिंगा चुराया। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं, मैं तो अभी अभी नींद से जागा हूँ। झूठ मत बोलो बघीरा, वो वहाँ हमारा शिकार कर रहा है और रक्षा ने रात तुम्हें हमारी मांद में आते हुए देखा था। तुम बिल्कुल ऐसे ही चल रहे थे। उसने जरूर नींद में ऐसा किया होगा, उसे ये बीमारी है। मैं नींद में चल रहा था? अच्छा, मुझे ये बीमारी है क्या? खैर, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि बघीरा पूरी रात मेरे पास ही लेटा था। बघीरा तो भेड़ियों का दोस्त है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। सबूत तो कुछ और ही कह रहा है मोगली। बघीरा, अगर तुमने ये जानबूझकर नहीं भी किया तो भी जंगल के कानून में खाना चुराने की सजा है। गर्म घाटी में बिना खाने के 5 दिन, जंगल के कानून से बड़ा कुछ नहीं है। चिंता मत करो, कुछ दिन उपवास मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं साबित कर दूंगा कि तुमने कुछ नहीं किया। सबसे जरूरी, किसी भी कैक्टस के पास मत जाना। अपना ख्याल रखना बघीरा। बाहर आने का एक ही रास्ता है, ध्यान रहे कि वो भागने ना पाए। भेड़ियों ने सही कहा था, देखो। वैसे कोई और पैंथर भी तो हो सकता है, जैसे कि काला। काला के पंजे पर एक घाव है, उसका निशान दिख जाता। अच्छा, तो फिर हो सकता है शेर खान हो। ये पंजे का निशान शेर खान के लिए छोटा है। और तुम्हारा दिमाग भी इतना छोटा है कि तुम बघीरा के अलावा किसी और को दोषी मान ही नहीं पा रहे हो। मैं निशानों का पीछा करने जा रहा हूँ, देखना ये कहीं और ही जाएंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक भालू का दिमाग जंगली भैंसे जितना बड़ा होता है। पता नहीं इस बात पर खुश हूँ या रोऊं। चोर चट्टानों पर से आया था, आगे और निशान नहीं मिलेंगे। सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करो बलू, भालुओं के पास वो होती है कि नहीं? भेड़ियों के पास भी होती है, इसी तरह उन्होंने बघीरा का पता लगाया। शायद उनसे कोई गलती हुई हो। चलो बलू। मुझे बिल्ली की गंध आ रही है।
अब तुम समझे कि वो बगीरा नहीं हो सकता। भले ही वो भूख से मर जाए लेकिन वो पैर पानी में नहीं डालता है। मेरे सूंघने की शक्ति एक जवान भालू जितनी तेज नहीं है मोगली, ये बात तुम जानते हो। शायद मैंने बकरी के गंध से मिला दिया होगा या फिर एक वॉट हॉग से। एक वॉट हॉग। शुक्रिया बलू। शुक्रिया, बाद में मिलता हूँ बलू। बहुत अच्छे राणा, वॉटहॉग्स के सूंघने की शक्ति पूरे जंगल में सबसे अच्छी होती है। मेरे ख्याल से सभी वॉटहॉग्स की नहीं होती, लेकिन मेरी है। मैं सबसे होशियार हूँ। लेकिन जब ध्यान देने की बात आती है। मेरा खाना बचकर निकल गया तुम्हारी वजह से। क्या तुम चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊँ? मेरी ताकत खत्म हो रही है। ये बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता है। ठीक है राणा, हमें माफ करना, पर अगर तुम ये छोटा सा एहसान करोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी दावत मिलेगी। बड़ी दावत मिलेगी? ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं खाऊंगा और जितना चाहूँ उतना। ठीक है, आम तौर पर वो ज्यादा खाता भी नहीं है। ये एक बकरी की गंध है। तुम्हारी नाक में जरूर बकरी की ड्रॉपिंग्स फंसी होगी बलू। ये तो एक पैंथर की गंध है। राणा, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पैंथर्स जमीन के नीचे नहीं रहते हैं। मिल गया। तुम्हें वापस उस गंध पर लग जाना चाहिए, नहीं तो बड़ी दावत नहीं मिलेगी। अब ट्रफल्स खाना कब से कोई जुर्म होने लगा? ये मुझे मारना चाहते हैं क्या? इस बार कोई शक नहीं मोगली, हमारा बघीरा दोषी है। वो रहा। राणा, क्या तुम्हें खाने के अलावा कभी कुछ और नहीं सूझता? बिल्कुल भी नहीं। पैंथर की गंध वहाँ ऊपर से आ रही है। मेरा शुक्रिया करने का अच्छा तरीका है। बघीरा अपनी चोट लगे पंजे की वजह से वहाँ नहीं चढ़ पाया होगा। मतलब वो पक्का कोई और था। बघीरा निर्दोष है। मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसे पागलों की तरह नाचने लगोगे। मतलब असली मुजरिम हमारा पीछा कर रहा था। उसने जान बूझ कर बघीरा को फंसाया है। बघीरा खतरे में है। आखिरकार तुमसे छुटकारा पाने का मौका मिल ही गया। पिछली बार जब तुमने मुझे अपने इलाके से बाहर भगाया था, मेरे मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये तुम ही होगे काला। अब तुम वहां आ गए हो जहां मैं चाहता था कि तुम पहुंचो। सिर पे पत्थर लगने से तो अच्छा है कि तुम धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो जाओ। क्या सोच रहे हो? जाके अकेला को होशियार करो। मैं यहाँ रुककर इन्हें बाहर निकलने से रोकता हूँ। अब नहीं, बस बहुत हो गया। बचाओ। काला, जाहिर है कि तुम्हें पानी तो पसंद नहीं, पर शायद तुम्हें ये बालू रेत जरूर पसंद आएगी। बघीरा, तुम कहाँ हो? बघीरा। मोगली, मेरे और करीब मत आना। ओ नहीं, घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। काला, क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? तुम ये क्या बक रहे हो? हम अकेले हैं, तुम बात कर सकते हो। हमारा अंत तो नजदीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या तुम इतने होशियार हो जो कोई तरकीब सोच लो? मैं हूँ, ये सारी मेरी ही तरकीब थी शुरुआत से। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था जब बघीरा ने तुम्हें बारह सिंघा से बचकर भागने के बारे में बताया। मैं जानता था कि जंगल के कानून के मुताबिक चोरों को गरम घाटी में भेजा जाता है। बघीरा घाटी में अकेला और घायल होगा, उससे छुटकारा पाने का ये सबसे अच्छा मौका था। बहुत अच्छे मोगली, तुम्हारी वजह से इसने सब कुछ सच सच उगल दिया।
मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। बघीरा, भेड़ियों का पूरा झुंड तुमसे माफी चाहता है। और माफ करने में आसानी हो इसलिए ये तोहफा। असली मुजरिम का पता लगाने के लिए शुक्रिया मोगले। राणा की वजह से हो पाया है, उसकी सूंघने की शक्ति के बिना हम ये नहीं कर पाते। ऐसा है तो मैं राणा के सम्मान में एक बहुत बड़ी दावत का ऐलान करता हूँ। चलो चलकर उसके लिए उतना खाना लाएं जितना कि वो खा सके। ये रही बड़ी दावत जिसका हमने वादा किया था। याहू! ला 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 ला